अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 16 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन फारेनहाइट रेट टू सेल्सियस। यानी यूज़र से हमने क्या चीज़ें टेम्परेचर मांगना है फारेनहाइट रेट में और उसको क्या चीज़ें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो हम क्या चीज़ें आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सीधा मैं आपको प्रोग्राम जब सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ले चलता हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ है, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, यानी हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डाटा एच, उसके बाद वाइड मेन, यानी मेन हो गया। ये हमारी क्या चीज़ें, ये तो हमने हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करने को। अब हमने क्या चीज़ें दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने, पहला वेरिएबल क्या चीज़ है फ्लोट सेल्सियस और दूसरा क्या चीज़ है फारेनहाइट रेट, क्योंकि दो एक वेरिएबल हमने यूज़र से वैल्यू मांगनी है। अब क्या चीज़ है प्रिंट एफ एंटर टेम्परेचर इन फारेनहाइट रेट, हमने क्या चीज़ें यानी प्रिंट एफ में यानी यूज़र से वैल्यू मांगी है, और उसके बाद क्या चीज़ें स्कैन एफ में क्या चीज़ें वो वैल्यूज़ यानी स्कैन एफ मॉड्यूलर एस डबल कोटेशन क्लोज एंड ऑपरेटर, और उसके बाद क्या चीज़ें फारेनहाइट रेट, यानी फारेनहाइट रेट में क्या चीज़ें वो वैल्यूज़ यूज जो यूज़र देगा वो क्या चीज़ें वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद हम क्या चीज़ें सेल्सियस का फार्मूला लगाते हैं। सेल्सियस का जो फार्मूला है वो ये है, सेल्सियस बराबर होता है फारेनहाइट रेट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9। यानी हमारे पास क्या चीज़ें फारेनहाइट रेट में से यानी जो वैल्यूज उसने दी होगी उसको क्या चीज़ें माइनस 32 करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 5/9 से डिवाइड करके क्या चीज़ें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या चीज़ें हम उसे शो करवा देंगे, और शो करवाने के लिए यानी फारन प्रिंट एफ यानी डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे, यानी मॉड्यूलर 0.2f। ये 0.2f इसलिए लगाया जाता है ताकि क्या चीज़ें जो वैल्यूज़ है वो क्या चीज़ें वो इशारे के बाद की चीज़ें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट्स आएँ, उसके बाद चीज़ें फारेनहाइट रेट आएगा, उसके बाद क्या चीज़ें यानी फारेनहाइट की वैल्यूज़ आ जाएगी। सेम इसी तरीके से सेल्सियस की वैल्यूज़ हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाएगी, और उसके बाद क्या चीज़ें यानी वेरिएबल्स फारेनहाइट रेट भी लिख दिया और सेल्सियस का लिख दिया, उसके बाद क्या चीज़ें हमने इसको प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया गैर सी एच लगाकर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ें हम कंपाइल करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जब हम इसको रन करते हैं तो आपके सामने वो आप देखो यूज़र से वैल्यू मांग रहा है एंटर टेम्परेचर इन फारेनहाइट रेट। मिसाल के तौर पर मैं 55 जो है वो टेम्परेचर देता हूँ, तो अब ये चीज़ें यानी जब वो कैलकुलेट होगा यानी तो सेम उसी तरीके से यानी 55 जो है वो फारेनहाइट रेट है, तो वो माइनस से 32 से माइनस होगा, और उसके बाद फार्मूला लगा कर के चीज़ें वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो गया, यानी 55 फारेनहाइट रेट इज़ इक्वल टू 12.78। यानी क्या चीज़ें यानी अगर फारेनहाइट रेट 55 होगा तो सेल्सियस कितना होगा, यानी 12.78 होगा। हम इसको एक मजीद वैल्यूज़ जो हैं वो गेन लेते हैं, यानी कि और वैल्यू लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या चीज़ें 12 जो है वो फारेनहाइट रेट लेते हैं, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो सेम वही चीज़ें यानी क्या चीज़ें फारेनहाइट रेट अगर 12 होगा तो सेल्सियस कितना हो जाएगा, वो -11.11 हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई, ये वही प्रोग्राम है जो हमने क्या चीज़ें मैंने आपको दिखाया था और इसके बाद आउटपुट जिसमें आ गई, और आज के लेक्चर में अगर कुछ डिस्कस करना हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर मुझसे पूछ सकते हो, या क्या चीज़ें मुझे यानी कमेंट्स करके क्या चीज़ें मेरे चैनल पर भी मुझसे आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।